खबर कानपुर से है। कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान बिल्होर निवासिनी की ज्योति ने बताया कि उसका विवाह हिंदू रीति रिवाज से 6 अप्रैल 2014 को हुआ था। शादी के कुछ दिनों बाद से ही उसका पति व परिवार वाले अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे और एक वर्ष बाद गर्भावस्था में घर से भगा दिया था, जिसके बाद पीड़िता द्वारा दहेज प्रथा व अपनी बच्ची के भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता व घरेलू हिंसा के लिए मुकदमा किया गया, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। ज्योति ने बताया कि उसका पति सूरज, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत है और वर्तमान में बाबूपुरवा थाने में तैनात है। आरोप लगाते हुए पीड़िता ने बताया कि पति गुमराह कर सुलह समझौता करके उनको वो पुत्री को रेल बाजार पुलिस लाइन में सरकारी आवास में ले गया। कुछ महीनों बाद फिर से दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा और मेरी 7 वर्ष की पुत्री को मारने पीटने लगा। वो कई बार जान से मारने का प्रयास भी किया, सूचना किसी को ना दे पाए इसलिए मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। ज्योति ने बताया कि 3 दिसंबर 2022 को मेरे पति सूरज ने मेरा गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया, भागकर अपनी जान बचाई। वह पड़ोसी के फोन से घर में सूचना दी, फिर छोटे भाई अवनीश कुमार आए तो उसके लोहे की रोड से उस पर हमला किया, जिसकी सूचना पुलिस को दी। गंभीर चोट लगने से, आपको बता दें, मेडिकल कराने के बाद भी रेल बाजार पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। फिर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की तो मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, लेकिन पति के पुलिस विभाग में होने के कारण अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई। लगातार मेरे पति द्वारा मुझे जान से मारने व मुकदमा वापस लेने की धमकी दी जा रही है। हमारे पति वो कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल बाबूपुरा थाने में है और वो हमारी शादी हुई थी तो ये शुरू से दहेज के लिए परेशान करते थे। सूरज सिंह नाम है इनका और ये हमारा मुकदमा 8 साल से चल रहा था तो ये सुलह समझौता करके ले आया कमरे में आप ट्रैफिक पुलिस लाइन में, वहाँ से शुरू से फिर परेशान करने लगा दहेज के लिए कि मारता था गला दबा के कि यहाँ घर से पैसे मंगाओ और हमारे घर वालों को आने नहीं देता था ना, घर फोन तोड़ दिया हमारा। और इसने हमें पता चला कि मतलब 2 साल से लड़की रखी है ये, इसकी कई लड़कियों से संबंध है और उनके घर वाले भी मारते थे, उनकी बहन भी परेशान करती थी और उनके वो मम्मी भी वहाँ रूम पे आती थी मरवाती थी। यहाँ कमिश्नर साहब के पास गए थे तो इसने भैया को फोन नहीं करने देता, तोड़ देता था फोन। तो हमने बगल वाले के यहाँ से फोन करके खबर घर में की तो इसने, मेरा भैया छोटा वाला आया था देखने तो उसने उस पर मतलब सरिया से हमला किया जानलेवा और हमने पीछे से पकड़ा है तो मार देता उसे। फिर हम वहाँ पे थाने गए तो थाने में FIR मेरी लिखी नहीं गई, उसकी पहले लिख दी गई रेल बाजार थाने में। हाँ फोटो है, फोटो लो, ये वाली फोटो, ये मेरा छोटा वाला भैया, इस पे हमला किया गया था और इसकी 2-307 इस पे लगा, इसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। और आई अभी तक की जो बात है, आप इसमें कार्रवाई क्या दे दिया? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ना, विभागीय कार्रवाई हो रही ना ही गिरफ्तार किया जा रहा है। आगे क्या चाहती हैं आप? आगे हम न्याय चाहते हैं कि इसकी गिरफ्तारी हो और हमारे भाई या भाई लोगों का मतलब खतरा जान लेवा और धमकी देता है ये फोन से। फर्जी मुकदमा भी लगवा दिया इसने, भैया लोगों को फर्जी मुकदमा लगवा दिया। योगी जी के पास जाएंगे अगर न्याय नहीं मिलेगा। 8 साल की लड़की है।